एसपीएनआई न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। आपको बता दें कि प्रतीक यादव जो है बीते दिनों से कई बार जो है चर्चा में आए, लेकिन चर्चा जो है वो रुकती चली गई। लेकिन सूत्रों के मुताबिक एक बड़ी खबर आ रही है जिसको लेकर के चलिए हम जानकारी देते हैं आपको। देखिये, दरअसल ये बड़ी खबर इस बात से जुड़ी हुई है कि प्रतीक यादव भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। आपको बता दें कि अपर्णा यादव के बाद प्रतीक यादव जो है वो बीजेपी का दामन थामने वाले हैं। और ये खबर इसलिए भी निकल करके आ रही क्योंकि नगर निकाय के चुनाव में प्रतीक यादव जो है सपा ज्वाइन करने वाले थे और उधर से उतरने वाले थे चुनावी मैदान में, लेकिन अब अपनी धर्म पत्नी के साथ वो भाजपा में नजर आएंगे और भाजपा में जो है वो पूरे दमखम के साथ समाजवादी पार्टी को टक्कर देने का काम करेंगे। क्योंकि देखिए, बीजेपी उनको एक बड़ा ऑफर इस मुद्दे को लेकर के दे सकती है। बीजेपी को ये बात अच्छे से पता है कि अगर प्रतीक यादव उनकी टीम में शामिल होते हैं तो यहां पर उनकी टीम को आगे ले जा करके जो है अपना खेला कर सकते हैं। लेकिन आप यहां पर ये बात भी समझिएगा कि प्रतीक यादव की तरफ से अभी तक कोई ऐलान नहीं किया गया है, ना ही अपर्णा यादव की तरफ से और ना ही भाजपा की तरफ से। लेकिन यहां पर बंद कमरे के अंदर मीटिंग्स कई सारी हो रही हैं। यहां पर इन मीटिंग्स के नजारे इसी बात को लेकर के देखा जा सकता है कि प्रतीक यादव जो है वो इस मुद्दे में अब अपना प्रतिक्रिया दे सकते हैं। पहले वो राजनीति से दूर रहते थे, लेकिन अब राजनीति में जो है उनके नामों की चर्चा तेज हो चुकी है। सपा के साथ आते आते अब वो नहीं आना चाहते, इस बात को उन्होंने अपनी तरफ से क्लियरेंस भी दे दिया है। लेकिन भाजपा को लेकर के अभी तक उन्होंने अपनी कोई बात ऐसे खुल करके नहीं कही है, जिससे ये बात बिल्कुल साफ हो जाता है कि प्रतीक यादव जो है सपा तो नहीं, लेकिन हाँ बीजेपी ज्वाइन करके अपर्णा यादव के साथ खड़े नजर आ सकते हैं। फिलहाल इस मुद्दे में बस इतना ही, लेकिन इस मुद्दे को सुनने के बाद आप लोग के क्या तर्क है कमेंट सेशन में बताना बिल्कुल भी ना भूले। आज के लिए बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एसपीएनआई न्यूज।